विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 10 गुजराती मध्यम में पांचमो प्रकरण समझीशू, जेनु नाम है दीकरी। आ एक पद्य रचना है अने आ पद्यना रचयिता कवि है अशोक चावड़ा बेदिल। अने आ पद्यनो साहित्य प्रकार गजल है। अशोक चावड़ा नो जन्म 23/8/1978 में थयो हतो। बेदिल एमनु उपनाम कहेवाय छे। अशोक पीतांबर चावड़ा नो जन्म सुरेंद्रनगर जिल्लानु मडासर गाम छे। हाल गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में मददनीश रजिस्ट्रार तरीके कार्यरत छे। पगला तड़ाव में पगरव तड़ाव में तेमना गजल संग्रहो छे। डाळखी थी साव छूटा प्रतिबद्ध कविता संग्रह छे। डाळखी थी साव छूटा प्रतिबद्ध कवितानो संग्रह छे। साहित्य अकादमी दिल्हीनो युवा पुरस्कार अने गुजरात साहित्य अकादमीना युवा गौरव पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कारोथी तेवो पुरस्कृत थया छे। आ काव्य गजल स्वरूपमां छे। दीकरी वहलनो दरियो आ विधान बहु प्रचलित छे, पण अहीं दीकरी गजलमां कविने दीकरीमां स्वर्गनी एक एक देवीनी झलक देखाय ते काई नानी सूनी वात नथी। तेमनी दृष्टिए दीकरी तो जाने कोई खड़कमांथी कोतरेलू शिल्प। कविए एक एक पंक्तिमां पोताना जीवनमां दीकरीना स्थान अने मान केवा रह्या छे तेने वाचा आपी छे। दीकरीने वड़ावती वखते तेना माथे हाथ मूकी तेने आशीष आपनार पिताने आजे हाथ देती आ समझणी दीकरी सहारो आपे छे। ज्यारे ज्यारे शरणाईना सूर संभळाय छे त्यारे लग्ननी भीड़मां पण कविनी आँखों दीकरीनी यादमां भीनी थाय छे अने ए भीनी पलकमां दीकरी साक्षात प्रगट थाय छे। कवि बाल मुकुंद दवेए दीकरीने तुलसीनो क्यारो कहीने तेनी पवित्रताने मूलवी छे। ज्यारे अहीं कविना मते पिता प्रत्ये स्नेहनुं झरणुं वहावती शरमाळ सुखड चंदननी सुगंध अने शीतळता वर्षावती दीकरी मधुर अने वात्सल्य पूर्ण व्यक्तित्वनुं पवित्र रूप छे। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आ काव्यने गद्यने पद्यने समझीशुं। स्वर्गनी एक एक देवीनी झलकमां दीकरी छे सुखड चंदन ने कुमकुमना तिलकमां दीकरी। अर्थात दीकरी गजलमां कविए दीकरीना गौरव अने गुणोने मूलव्या छे। कविने स्वर्गनी एक एक देवीमां दीकरीनी झलक देखाय छे। दीकरी सुखड चंदन जेवी सुगंध अने शीतळता आपे छे। कुमकुमना तिलकमां दीकरीनुं सौंदर्य वस्यु छे। आगळ स्नेहनुं झरणुं एनुं ज आ परिणाम छे। परिणाम एटले फळ कोतरे छे कोईक वर्षोथी खड़कमां दीकरी। एटले के दीकरीना हૈયામાં સ્નેહનું ઝરણું વહે છે એટલે જ એ મીઠડી લાગે છે। કોઈ વર્ષો સુધી ખડકમાંથી સુંદર શિલ્પ કોતરે એવી નક્શીદાર દીકરી છે। આગળ લાજ મર્યાદા શરમ ગૌરી વ્રતોની હારમાં ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી। ફડક એટલે ચિંતા। કવિ કહે છે લાજ મર્યાદા શરમ ગૌરીવ્રત જેવી પરંપરાગત હારમાળામાં દીકરી હંમેશા ફડક ફડક એટલે ચિંતા બીકમાં ઉછરતી રહી છે। આગળ જે શિરે હું હાથ ફેરવતો હવે એ હાથ દે વિસ્તરે છે એમ સમજણના ફલકમાં દીકરી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ ની કાવ્ય પંક્તિમાં શબ્દ આવ્યો ફડક। ફડક એટલે ચિંતા બીક અને આ પંક્તિમાં આવે છે શબ્દ ફલક। ફલક એટલે આસમાન સ્વર્ગ એવો થશે।
के विस्तरे छे एम समझणना फलक में दीकरी। कवि कहे छे, एने सिरे हाथ फेरवी वहाल कर्यो, एने एटले के दीकरीना सिरे हाथ फेरवी वहाल कर्यो, आशीष आप्या एटले के आशीर्वाद आप्या, ए दीकरी आजे केवी समझदार थई गई छे, आजे ए मने हाथ दे छे, अर्थात के मने सहारो दे छे, आवी वहाली दीकरीने केम भूलाय। आगळ सूर शरणाई सगा संबंधीओनी भीड़मां रोज भीनी थाय छे, भीनी पलकमां दीकरी, पलक एटले आँखनो पलकारो। कवि कहे छे छेल्ले के ज्यारे शरणाईना सूर सांभळू छूं त्यारे सगा संबंधीओनी भीड़मां पण मारी आँखों भीनी थई जाय छे, अने ए भीनी पलकमां मारी दीकरी ज मने प्रत्यक्ष देखाय छे। आम वहाली अने मीठडी दीकरीना गौरवभर्या स्थान अने मान हमेशा पिताना हृदयमां रहेवाना ज छे। विद्यार्थी मित्रों, आनी साथे आ पांचमो पद्य अहीं समाप्त थाय छे। अने आ पद्य दीकरी पद्य जे छे गजल रचना ए पगरव तळावमांथी लेवामां आवी છે।